अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज के निश्तर चला दिए। कहा, बिलावल कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने उनके घर की पानी की लाइन काट दी थी। 15 साल में करप्शन और जमहूरियत कब्जे की लाइन ठीक हो गई, पानी की लाइन ठीक ना हो सकी। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द के तमाम घर खरीद लिया लेकिन पानी की लाइन ठीक ना हुई। मैंडेट के तहफ्फुज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, अदम एतमाद भी ला सकते हैं। ऐलान किया बिलावल साहब ने, जिस तरह हम कराची में जीते हैं पूरे पाकिस्तान जीतेंगे। पूरे पाकिस्तान पे एक लर्जा तारी हो गया है, कितने लोग लापता होंगे। पानी पानी की रट लगाई हुई है कि मेरे घर में टैंकर से पानी आता है। मैं इस मुल्क का वजीर खारजा हूँ, मैं टैंकर से पानी खरीदता हूँ। कभी कहते हैं मुशर्रफ ने लाइन काटी थी, 15 साल पहले मुशर्रफ ने लाइन काटी थी। वो आपकी NRO लेकर करप्शन की लाइन तो ठीक हो गई, जमहूरियत पे कब्जे की लाइन तो ठीक हो गई, ठीक नहीं हुई तो आपकी पानी की लाइन ठीक नहीं हुई। बिलावल हाउस के सारे इर्द-गिर्द के घर तो खरीद लिया, आप लोगों ने लाइन नहीं लगा सकते। टैंकर में पानी आता है, नलके में पानी नहीं आता, तो ये किसके ऊपर चार्जशीट है? तो ये मीठी मीठी बातें करके किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कराची पैसे देता है तो सूबा सिंध चलता है, पाकिस्तान चलता है। तुम हमारी गिनती खा गए, इंसानों को तुम खा जाते हो, इलेक्शन आए तो अगवा कर लेते हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये बताइए कराची के इंसान कहाँ हैं? न पानी दो, न बिजली दो, के इलेक्ट्रिक माफिया के आप सहूलत का। हम अपने मैंडेट का तहफ्फुज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करने जा रहे हैं कि आप इस इंतखाब को कलअदम करें। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर वहां से रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट, कि हम अदम एतमाद भी ला सकते हैं। 23 तारीख को परसों इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर एक तारीखी एहतजाज होने जा रहा है।